अगर आप लोग का बजट 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा हो, भले 3 लाख से 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, अगर आप लोग के इस टाइप के बजट हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि फेसबुक एड्स पे आप किस तरह एक कंपेन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह का कंपेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने कंपेन्स, कितने एड्स, कितने एड्स होने चाहिए, किस तरह के एड फॉर्मेट्स हम लोग को यूज करने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट्स पे। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी का बजट 3 लाख या उससे भी ज्यादा हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो पर मंथ फॉर फेसबुक एड्स इन पाकिस्तानी मार्केट, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। और इसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह का कंपेन स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जो है आप लोग उस हिसाब से लेकर चल सकें, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि हम लोग को फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू स्केल योर अकाउंट। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं लाइव सिखाऊंगा, वो भी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। अच्छा, ये मैंने एक कंपेन स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरह का कंपेन स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप लोग का बजट 3 लाख या उससे ज्यादा हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, भले 1 करोड़ हो, तो किस तरह का आपका कंपनी स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे लास्ट जो दो वीडियोस थी, आप ये देख भी सकते हैं, ये मेरे जो लास्ट दो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने जिस तरह बजट स्प्लिटअप बताया था कि हम बजट को किस तरह स्प्लिटअप करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में जाहिर सी बात है वो न्यू होगा। इसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली जो बंदा 3 लाख तक वो पहुंच चुका है, जो बंदा 10 लाख स्पेंड करे, 20 लाख स्पेंड करे, वो स्केलिंग के लेवल पर है, ठीक है, उसका कोई इनिशियल बजट नहीं है कि हम उसको स्प्लिटअप करेंगे। जाहिर सी बात है वो रनिंग पे चल रहा होगा, और जो है हमारे पास जो विनिंग क्रिएटिव्स भी होंगे, हमारे पास जो विनिंग लैंडिंग पेजेस भी माइट भी हो, ठीक है, तो ये मल्टीपल हमारे पास विनिंग होगी, जो टेस्टिंग साइड बाय साइड चल रही होंगी, तो मल्टीपल चीजें चल रही होंगी। बट द थिंग इज के लोग स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर और अलाइन। बहुत ही सिंपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपनी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपना जो लाइव अकाउंट दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने $5 लाख से ज्यादा भी हमने स्पेंडिंग की है, और उसका मैं आपको कंपनी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किस तरह सिंपल है, और ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकल हम इस तरह कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ की जस्ट मैं आपको जस्ट एक जनरल रूल ऑफ थंब दे रहा हूँ जो कि आप कर भी सकते नहीं कर सकते, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं और हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 कंपेन्स बनाई हैं। एक है आपका एट्रेशन, दूसरा है आपका एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन। अगर ये आपको नहीं पता ये है क्या चीज, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि ये है क्या चीज और कंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर आपका आपका आ जाता है रिटारगेटिंग कंपेन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये एक्सेप्ट, मतलब मैं कहूंगा कि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आपको कंपेन ये क्रिएट करनी है नहीं करनी, बट द थिंग इसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। उसके बाद फिर आपका आ जाता है टेस्टिंग या प्रोस्पेक्टिंग कंपेन। इसके अंदर आप लोग जो है वो क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग आप लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपीरियंस फेसबुक एड्स, जो फेसबुक मीडिया बायर, उनको भी पता होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका क्रिएटिव टेस्टिंग वाली जो एसेट जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्केलिंग एसेट आपकी बन जाती है, ठीक है, अगर वो मतलब एक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी परफॉर्म मतलब कर जाती है कि आपको उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं होती, उसी को आप वर्टिकल स्केलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जो कंपेन स्ट्रक्चर रखेंगे, एक तो आपका कंपेन कितना होना चाहिए, 3 से 4 इज फाइन, ठीक है, अगर आप हाँ कोई डिफरेंट टेस्टिंग है, बिल्कुल ही सेपरेट टेस्टिंग है, नॉट ऑडियंस टेस्टिंग, नॉट कॉपी टेस्टिंग, इस तरह की टेस्टिंग के लिए आप कंपेन क्रिएट ना करें, फालतू की टेस्टिंग है, इंस्टेड ऑफ के कोई हाँ कोई क्रिएटिव कर रहे हैं, लेट्स से कोई इटरेशन कंपेन है या कोई लैंडिंग पेज टेस्टिंग कंपेन है, तो इट मेक्स सेंस, बट ऑडियंस टेस्टिंग और ये सारी चीजें ये बहुत पहले की बात थी कि हम लोग इस तरह के हम लोग टेस्टिंग किया करते थे, अभी ये फेल है, मैं आप लोग को अभी लाइव भी दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करना है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग कंपेन के अंदर कितने एसेट होंगे, अभी 4 से 5 होने चाहिए इसी, अब जैसे वैसे यहाँ पे तो बजट कम है, बट डेफिनेटली आप लोग किसी एसेट पे होगा 50,000 रुपये होगा, किसी के एसेट पे 70,000 होगा, किसी में 1 लाख होगा, किसी में 20,000 होगा, ठीक है, तो 4 से 5 एसेट इज फाइन। बहुत सारे एसेट ना हो कि अब जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर लेट्स हम 3 लाख या 10 लाख या 20-30 लाख स्पेंड करें तो एसेट 20-30 होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, जितना कंसोलिडेट होगा उतना बेहतर हो परफॉर्म करेगा। तो जो अब अच्छा विद इन ब्रॉड, अब लोगों सवाल होगा कि वजह भाई सब ब्रॉड रखे हुए, भाई देखिए ब्रॉड में इसलिए
रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपका रिटारगेटिंग ऑडियंस भी आ जाती है, ठीक है, आपके जो लुक लाइक्स वाले जो ऑडियंसेस है वो भी आ जाती है आपकी, ठीक है, सब टाइप ऑफ ऑडियंसेस आ जाती है। और जो ब्रॉड है वो बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। एक तो रीजन मैंने दो तीन रीजन नाम मैं आपको बता चुका हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, और एक और वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि हम AI पे भरोसा करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बंदे ने अच्छी खासी स्पेंडिंग की होगी तभी 3 लाख 10 लाख 20 लाख स्पेंड कर रहे हैं पर मंथ, तो जो AI है उसको तो ऑलरेडी वो स्मार्ट है और जो पिक्सल है उस पर इतना अच्छा इतना ज्यादा डेटा फीड हो चुकी है कि उसको अभी बताने का मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि भाई मेरी ऑडियंस है क्या चीज़। तो इंस्टेड ऑफ के डूइंग इंटरेस्ट टेस्टिंग या मल्टीपल टेस्टिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं और स्टिल करते हैं जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है, हम लोग ब्रॉड पे फोकस करें और जो मोस्टली हम लोग 70% 80% जो फोकस करें हम क्रिएटिव वगैरह तो हम लोग अच्छा खासा स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्रॉड क्या अगर मैं विद इन ब्रॉड ऑर्डर्स क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है परचेजेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और आप डेफिनेटली आपकी डिपेंड करते हैं लोकेशन एज आई मेंशन के पाकिस्तान भी कर सकते हैं, अगर आप ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आप लोग जो है टारगेट करते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान भी कर सकते हैं, अगर अगर आपको स्पेसिफिक कंट्री है आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एज वगैरह सब कुछ ब्रॉड रखेंगे, नो टारगेटिंग, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट वगैरह रखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपको एक और चीज आपको ये मेक श्योर करनी है कि कोई एक्सक्लूजन वगैरह नहीं करनी, ठीक है, जैसे बात इसके अंदर रिटारगेटिंग वगैरह सब आ जाती है, तो एक्सक्लूजन कर भी सकते हैं वरना ऐसा जरूरत नहीं है एक्सक्लूजन की, क्योंकि अगर पिक्सल आप एक्सक्लूजन करेंगे जैसे से बात जो उसके अंदर डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है तो फायदा नहीं है, तो इस बेटर कि आप उसको विदाउट एक्सक्लूजन करें। अच्छा, यही सेम एडसेटिंग सब में होंगे। अब आप लोगों का सवाल होगा कि वजह भाई सब ब्रॉड है तो कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा, ये देखें हम लोग जो ब्रॉड रखेंगे उसके अंदर जो क्रिएटिव होंगे वो हम एक से दो रखेंगे, ठीक है, या मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन दैट। मैं रिकमेंड करूंगा 1 हो, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 2 हो, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपका जो बजट है ना वो स्प्लिट अप होता है ना, कि फेल नहीं होता। फेसबुक की बात करूं या टिकटॉक की बात करूं दोनों में ये होता है कि लेट्स से अगर आप एक एसेट है उसके अंदर लेट्स से 4 से 5 क्रिएटिव है तो फेसबुक क्या करेगा कि वो एक ही एसेट को ज्यादा स्पेंड मतलब ज्यादा बजट देगा, 70% जो बजट है वो एक ही एड को देगा और फिर जो बाकी रिमेनिंग होंगे ना उसको टुकड़ों टुकड़ों में दे रहा होगा, जैसे किसी को 10% में दे देगा, किसी को 5% में दे। तो इससे क्या होगा कि होता है ना कि आप फेयर बजट नहीं दे रहे किसी क्रिएटिव को, और ये भी होगा कि कुछ क्रिएटिव ऐसे होंगे जो कि विनिंग होंगे तो आपको पता है भाई ये विनिंग है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक क्रिएटिव रखें, ठीक है। अगर आपको ज्यादा अगर आपको क्रिएटिव ऐड करने हैं तो ये कि आप 1-2 क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि एक एसेट में 2 या मैक्सिमम 3 क्रिएटिव, नॉट मोर देन दैट, जो आइडियल है वो एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात जो क्रिएटिव होंगे हर एडसेट में सब डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, नहीं, हर एडसेट पे क्रिएटिव डिफरेंट हो, ये आपको मेक श्योर करना है। ऑडियंसेस वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, वो सब ब्रॉड होगी, बट ये कि जो एड होगा वो आपकी जो भी विनिंग जाहिर सी बात है जो भी आपकी विनिंग आपने टेस्टिंग वगैरह की होगी, मे बी आपने कलेक्शन ने टेस्ट की होगी, मे बी आपने कैरोसेल किया होगा, मे बी आपने कोई जो वीडियोज या मे बी UGC स्टाइल वीडियोज जो यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट वीडियोज है हम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से ले रहे होते हैं, मे बी वो विनिंग हो वो आप टेस्ट कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, ये मल्टीपल चीजें हैं जो आप टेस्ट आउट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर निश, और ये भी डिपेंड करते हैं कि आपने क्या क्या विनिंग आपके अकाउंट में आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब ये सारे यहाँ पे आपकी विनिंग या मे बी कुछ इस तरह के एड्स होंगे जो कि नेट न्यू क्रिएटिव आप टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक आपका जो है वो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो टेस्टिंग कंपेन हो जाएगी, उसके बाद रिटारगेटिंग हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट जो कंपेन है उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह अगर आप ब्रॉड टारगेट कर रहे हैं सो देर इज नो नीड टू टारगेट एंड नो नीड टू डू एनी रिटारगेटिंग, क्योंकि ब्रॉड ऑटोमेटिकली आपके रिटारगेटिंग कर देता है। तो ब्रॉड से क्या मुराद होगा कि आप ऑडियंस टारगेटिंग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो आप जो आपके मतलब वेबसाइट पे विजिट किया है या आप किसी ने वीडियो यूज किया है, मल्टीपल जो भी कस्टम ऑडियंसेस होती हैं उसमें जो भी इंगेज हो आपके वेबसाइट वगैरह से वीडियो से तो वो ऑटोमेटिकली उसको टारगेट करेगा, ठीक है। बट द थिंग इज के फॉर डिफरेंट मीडिया बायर्स जो चाहते हैं भाई नहीं भाई मैं तो करूँगा रिटारगेटिंग कुछ भी हो जाए, ठीक है, वजह भाई बोल लें तो उसके लिए उनके लिए मैंने जो है वो एडसेट बना दिया कि वो रिटारगेटिंग के एडसेट किस तरह बनाए। हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल एडसेट 10 एडसेट बना दिए उसके और पता नहीं एक एक में 50% 75% वीडियो, दूसरे में 2 सेकंड, तीसरे में 15% 15 सेकंड थ्रू प्ले, पता नहीं कितने एडसेट बना देते, ठीक है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि जितना कंसोलिडेट हो। तो हम लोग 2 एडसेट क्रिएट करेंगे बेसिकली, ठीक है, जो एक है ऑल पिक्सल एक्सक्लूडिंग परचेजेस, ऑल पिक्सल से मुराद ये कि ऐड टू कार्ट पेज व्यू व्यू कॉन्टेंट जितने भी आपका ऑल वेबसाइट विजिटर्स होंगे वो आ जाएगा 180 डेज। अच्छा, जितना ब्रॉड होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि ये कि दरअसल बात है जो पिक्सल की जो इवेंट्स हैं जितने भी डेटा वगैरह है वो दरअसल एक्यूरेट नहीं होते, तो ये है कि जो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एस्टिमेटेड डेटा होता है तो इट माइट बी ओवर रिपोर्टिंग माइट बी अंडर रिपोर्टिंग, बट द थिंग इज के मेक श्योर करें जितना ब्रॉड रखें आपका जो टाइम पीरियड है उतना बेहतर है। हम कर देंगे एक्सक्लूड आपका यहाँ पे परचेजेस वगैरह, यहाँ पे आप और भी एक्सक्लूजन कर सकते हैं लाइक कस्टमर ईमेल, क्लेवियो और मल्टीपल जो मतलब परचेजेस वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स आप उससे जो है जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से एक्सक्लूड। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कस्टम ऑर्डर किस तरह बनाते हैं तो मेक श्योर करें मेरे वो वीडियो देखेंगे कस्टम ऑर्डर किस तरह बना रहे होते हैं, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि कस्टम ऑर्डर किस तरह बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो ओवरऑल होगा वो सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और जिससे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अच्छा यहाँ पे जो क्रिएटिव होंगे वो जस्ट चेंज होगा, वो डिपेंड करता है अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई स्टैटिक इमेज वगैरह यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वीडियो ही हो, आप यहाँ पे स्टैटिक इमेज वगैरह भी दे सकते हैं ताकि जो है वो जाहिर सी बात है वो आपके वेबसाइट ऑलरेडी इंगेज है, दे नो द कस्टमर नोज अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर स्टोर, अबाउट योर प्रोडक्ट, सो वी जस्ट नीड टू शो देम के भाई हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं रेट्स है, या जरूरी नहीं कि डिस्काउंट दें, हम मे भी इसको फीचर्स वगैरह बेनिफिट्स वगैरह एड कॉपी भी मेंशन करें या हम लोग थ्रू स्टैटिक इमेजेस वगैरह मेंशन कर सकते हैं, तो ये दो आप ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा सेट आपका हो गया और इंगेजर के नाम से, इसके अंदर हम जितने भी आपके इंगेजमेंट होंगे रेट से वीडियो व्यूज हो गया, फेसबुक पेज इंगेजर, इंस्टाग्राम पेज इंगेजर, अच्छा जितना ब्रॉड रखेंगे ना उतना बेहतर होगा। और यहाँ पे एक्सक्लूड हम एक्सक्लूड कर देंगे परचेजर्स, ठीक है, जो भी पिक्सल परचेजेस हैं और बाकी जो क्लेवियो के और शॉपिफाई के सारे हम लोग परचेजेस वगैरह एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है वो रिटारगेटिंग का है, यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी। और उसके बाद जो फिर आ जाता है आपका एडवांटेज पर शॉपिंग कैंपेन, मैं फिर से रिपीट करूंगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मेक श्योर करें पहले वो वीडियो देखें उसके बाद ये जो है वो आप वीडियो देखेंगे है क्या चीज वो। अच्छा एडवांटेज पर शॉपिंग कैंपेन में आप लोगों को क्या करना है, ये बहुत ही ऑटोमेटिक, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि बड़ा बजट रखना है, लेट्स से आपका 10 लाख वगैरह का तो मैं कहूंगा कि 20-30% इसमें लेट्स से लाख तो दें ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर आप 10-20 लाख आप स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त है। और इसके अंदर जो आपको ऐड करना है क्रिएटिव ऐड करना है वो कोशिश करना 5 से 7 आप क्रिएटिव ऐड करें, अच्छा जो ऐड भी आपको करना है वो विनिंग ही करना है, ठीक है, और जो है आप अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं उसे, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे भाई जो परफॉर्म नहीं करा उसको आप टर्न ऑफ कर देगा, बट मेक श्योर करना है कि आपको जो है वो 5 से 7 क्रिएटिव आप ऐड करें। अच्छा अब इसके अंदर जो एक आता है एडवांटेज पर शॉपिंग में कि कस्टमर कह पा रहा होता है जो के स्प्रेड अप होता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग ऑडियंस में कितना आपको बजट एलोकेट करना है और जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उस पर कितना स्प्रेड अप करना है, तो कोशिश करेगा कि प्रोस्पेक्टिंग पे 80% या 90% करें और एग्जिस्टिंग ऑडियंस पर 10-15%, ठीक है, क्योंकि आपको कोशिश करनी है टॉप ऑफ द फनल को फिल आउट करना है न्यू कस्टमर्स लेकर आने ताकि वो बाइंग करें, ठीक है, अगर आप वही पुराने कस्टमर को रिटारगेट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, ये याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको न्यू कस्टमर्स लाने होंगे टू योर स्टोर इन ऑर्डर टू स्केल। अच्छा उसके बाद फिर आपका आ जाता है इटरेशन कैंपेन, व्हाट इज मीन बाय इटरेशन, इटरेशन मीन कि आपको जो आपके विनिंग क्रिएटिव्स हैं उस पर आप इटरेट करें, उसको आप एडिट करें। छोटी सी मिसाल दूंगा, लेट्स से अगर आपने विनिंग हुक मालूम कर ली कि भाई ये मेरी विनिंग हुक है, आपने क्या किया वो विनिंग हुक लिया और आपने किसी जो वीडियो थी जो कि जिसका हुक बेकार था बट जो बाकी बॉडी थी जो मैसेजिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तो आपने क्या किया उसका जो हुक है वो आपने रिप्लेस कर दिया उसके साथ और आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे पोस्ट पेंडिंग पे। इससे ये भी आपको मतलब कि आइडिया हो चुका होगा या आइडिया हो जाएगा वेदर और नॉट दिस इटरेशन एड इज परफॉर्मिंग और नॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी सेम वही चीज होंगी, एडसेट्स वगैरह 4 से 5 एडसेट होंगी और जो है मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग ऑडियंस रखेंगे ब्रॉड रखेंगे जिससे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग में रख रहे थे। अच्छा आप देख रहे होंगे मैंने ना लोकल एड क्रिएट की है, जो लोग शशि करो होते हैं ना लोकल एड क्रिएट किए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा, अभी थोड़ा अभी थोड़ा वेट करें, मैं आप लोग को अकाउंट दिखाऊंगा आपके आप लोग क्या कहेंगे जब खुलेंगे, तो उसके बाद आप कहेंगे हाँ बजाज भाई ठीक कह रहे थे, मैं आप लोग को लाइव देखाऊंगा ताकि आप लोग को जो है वो थोड़ी क्लैरिटी हो, ठीक है। तो ये सारे ब्रॉड ऑडियंस आपको रखनी है और यहाँ पे इटरेशन वीडियोस जो जिस तरह मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि आपको थोड़ी चेंजेस करनी है जो विनिंग है उस पर आपको इटरेट करना है ताकि और यहाँ पे आप लोग को लॉन्च करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि वही सारे ऑडियंसेस सारी सेम रहेंगी, ब्रॉड होंगी, नो ऑडियंस टारगेटिंग, जस्ट जो आपको क्रिएटिव ऐड करने हैं यहाँ पे 1 से 2 बस, मैं इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। इवन जो अभी मैं अकाउंट दिखाऊंगा उसमें सिर्फ एक ही क्रिएटिव है और एक एडसेट में कितना बजट है वो आप खुद देख सकेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कंपनी स्ट्रक्चर था कि किस तरह हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक अकाउंट दिखाता हूँ जिसपे 5 लाख से ज़्यादा स्पेंडिंग होती है पर मंथ, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं
उसका कंपनी स्ट्रक्चर दिखा सकूँ। तो ये एक हम लोग का एक क्लाइंट है जो कि फेसबुक एड्स के लिए, तो इसका एक कंपनी स्ट्रक्चर है, इसकी जो डेली स्पेंडिंग है अराउंड $17,000 से $20,000 पर डे। अभी सीजन ऑफ चल रहा है तो थोड़ा कम स्पेंडिंग चल रही है, अब लास्ट मंथ में इतना चल रहा है, बट जो उसकी मंथली स्पेंडिंग होती है $7,000 से $8,000 पर मंथ होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो चल भी रहा है यहाँ पे सारे टॉप ऑफ द फनल चल रहे हैं, नो रिटारगेटिंग, नो कुछ भी इस तरह के शशके वशके जो हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग कर होते हैं, कुछ भी नहीं है। अब आप लोग अंदाजा लगाएं कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि कितना बंदा है पाकिस्तानी, लेट्स से मैं इसको कैलकुलेट करूं 148 मल्टीप्लाई बाय 284, तो ये माशाल्लाह जो बन रहा है ये ऑलमोस्ट 14 करोड़ बन रहे हैं पर मंथ। ठीक है, 14.8 करोड़, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी स्पेंडिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने कितने एसेट किए होंगे, मैंने कितने एसेट क्रिएट किए होंगे, आप जब सोचें, मैं 2 सेकंड देता हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मे बी 50 एसेट होंगे भाई, 60 एसेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग दिखा दूँ कितने एसेट्स हैं। जो एक्टिव एसेट्स हैं वो आपके हैं अराउंड 15 एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर कोई जो है अब ये देखना अराउंड 15 एसेट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी है, देख सकते हैं रिजल्ट्स फॉर्म 15 एसेट्स। इसके अंदर कोई हमने वो नहीं, आप ये देख सकते हैं कितना कंसोलिडेट हमने रखा हुआ है। ये इन टोटल एसेट्स हैं, मतलब ये कि एक कंपनी के नहीं, इन टोटल है। अगर मैं आपको एक कंपनी का दिखाऊँ तो एक जो कंपेन है उसके अंदर कितने एसेट्स हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 एसेट्स हैं। अगर हम इसमें जाएं तो इसके अंदर आप अगर हम देखेंगे इसके अंदर भी 7 एसेट्स हैं। तो द थिंग इज का आपको जितना आप कंसोलिडेट रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे आप देख सकते हैं ना हमने कोई रिटारगेटिंग की है, ना हमने कोई लोकल एक्स क्रिएट किया, हमने सब कुछ कंसोलिडेट रखा हुआ है। तो अगर आप लोकेंगे वैसे भी इतना हाई है क्योंकि हमका क्लाइंट का गोल डिफरेंट होता है, तो जरूरी नहीं है कि और ना हम इसके बेसिस पे डिसीजन बनाते हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है ट्रैकिंग वगैरह का इशू होता है, तो देयर आर डिफरेंट गोल्स फॉर एवरी क्लाइंट। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं क्यों आप लोगों को रेफर करता हूँ कि ऑडियंसेस पे फोकस ना करें और इंस्टेड ऑफ के आप जो है वो जो क्रिएटिव वगैरह है उस पर आप फोकस करें। मैं आप लोगों को कुछ वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने कितने क्रिएटिव लॉन्च किए हैं। ये देखें, एक इमेज, सिर्फ एक इमेज और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इमेज और उस पर कितना स्पेंड हो रहा है $800 पर डे। ये आपका आगे $2100। ये देखें एक क्रिएटिव, ठीक है, आप लोग एक या मैक्सिमम दो होंगे, उससे शायद एक, हाँ दो भी नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक है, तो द थिंग इज के आप लोग को ये मेक श्योर करना है, अभी देखें $1600 बढ़े, तो द थिंग इज के आप लोग को जितना कंसोलिडेट रखेंगे उतना बेस्ट होगा। ये अकाउंट दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि मैं क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ब्रॉड पे जाए या ऑडियंसिस पे इतना फोकस ना करें, ताकि आप लोग को थोड़ी क्लैरिटी हो। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इंशाल्लाह जो है आप लोग भी ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ लाजमी कमेंट करें कि ये वीडियो यूज़फुल रही है या नहीं रही, ताकि जो है मुझे अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू कॉमेंट। तो ये एक ओवरऑल कंपनी स्ट्रक्चर का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।